2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद पूरा केदारनाथ के आसपास एरिया तहस नहस हो चुका था। विदेशी छोड़ो, देश के लोग भी केदारनाथ जाने से बचते थे। उत्तराखंड का टूरिज्म विभाग को काफी नुकसान हो रहा था। 2014 में मोदी जी के आने के बाद उनका सारा ध्यान केदारनाथ पुनर्निर्माण पर था और वो युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिए थे केदारनाथ में, और लगातार उनकी नजर बनी थी, इसलिए वो उस समय समय में केदारनाथ जाते रहते थे। पुनरुत्थान का जिम्मा संभालने के बाद मोदी ने ही खास केदारनाथ गुफा के पुनर्निर्माण के निर्देश दिए थे अधिकारियों को, ताकि विदेश तक ये गुफा का महत्व बताया जा सके। इसलिए मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर दूर बनाया गया ध्यान गुफा। इसकी ऊंचाई करीब 12,250 फीट है। पिछले साल बनकर तैयार गुफा का संचालन इस साल से शुरू हो गया है। आज मोदी जी केदारनाथ दर्शन के बाद गुफा गए और भारत ही नहीं पूरा विश्व को दिखाना चाहते थे कि आइए सभी केदारनाथ भगवान के दर्शन के बाद वो गुफा के भी दर्शन करें और गुफा के अंदर जाने के लिए टिकट रखा जाए। मंदिर प्रशासन और उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिससे देश विदेश के लोग गुफा देखने आएंगे और हजारों करोड़ का आय उत्तराखंड सरकार के साथ देश को होगा, और इसी बहाने पूरे विश्व के लोग जानेंगे सनातन संस्कृति में तप ध्यान योग का क्या महत्व है। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है केदारनाथ में मोदी सरकार के नेतृत्व में। देखते जाइए, ये मोदी देश को विश्व गुरु बना के रहेगा। कोई भी देश टूरिज्म के बिना आगे नहीं जा सकता। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।